नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट एनकाउंटर की एक और नई वीडियो में। 2024 के आईपीएल में तो आरसीबी की टीम ने फैंस को कर दिया था थोड़ा बहुत चिंतित, लेकिन क्या 2025 के आईपीएल में जीत के डंके के साथ करेगी फैंस को थोड़ा बहुत कन्विंस। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट एनकाउंटर की एक और नई वीडियो में। 2025 के मेगा ऑक्शन का बिगुल बच चुका है, T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, तो अभी से लग जाइए गाइस। आज की इस वीडियो में हम बैंगलोर की टीम के बारे में बातचीत करने वाले हैं, और मैं आपको बता दूं इस साल के मेगा ऑक्शन में जो है 3 रिटेंशन की लिमिट है, एक प्लेयर पर आप आरटीएम कार्ड यूज कर सकते हो और बाकी सारे प्लेयर्स को रिलीज कर सकते हो। तो मतलब मैक्स टू मैक्स आप 4 प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हो। तो कौन से 4 प्लेयर रिटेन होने वाले, कौन से प्लेयर बाहर होने वाले हैं, और कौन से प्लेयर पर जो है आरटीएम कार्ड का यूज होने वाला है, पूरा डिकोड करने वाला है, पूरा एनालाइज करने वाला है। हम आए हैं तो पूरी डिटेल लेकर जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 100K के बहुत ज्यादा करीब है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक कीजिए और फटाफट से शुरू करते हैं। आप सब लोग इस वीडियो के लिए जो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट आने वाली वीडियो सब तक पहुंचाए। शुरू करते हैं, चलो चलिए दोस्तों, लेट स्टार्ट रिटेंशन ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो यहाँ पर सबसे पहला रिटेंशन जो कि बेंगलोर की टीम का भाई ऑब्वियस रहने वाला है, वो है विराट कोहली, किंग कोहली, हाईएस्ट रन गेटर। और आईपीएल 2023 के आईपीएल में धमा चौकड़ी मचा दी थी विराट कोहली ने, किंग कोहली का जो है विंटेज अवतार आ चुका है। तो विराट कोहली का जिस तरह से बेंचमार्क सेट है आरसीबी की टीम में, जिस तरह से ब्रांड वैल्यू बनी हुई है, भाई यहाँ पर कोई बोलने की बात नहीं है। 15 करोड़ की रकम में विराट कोहली जो है रिटेन होने वाला है, अभी से लिख कर ले लीजिए। उसके अलावा जो है मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से फील हो रहा है कि फैफ डुप्लेसिस जो है अपनी जगह बनाकर ले जाएंगे और कैप्टनसी भी करने वाले हैं, क्योंकि 2022 और 2024 के आईपीएल में जिस तरह से इनकी कैप्टनसी में वो टेम्परामेंट नजर आया है, वो विजनरी नजर आई है, वो स्किल सेट नजर आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी अपनी जगह बनाकर ले जाएंगे और आरसीबी की टीम जो है डेफिनेटली इनको रिटेन कर सकती है। और उसके अलावा जो है मैंने थर्ड नंबर पर रखा है रजत पाटीदार को। रजत पाटीदार का फॉर्म पिछले साल के आईपीएल में इतना खास नहीं था, मतलब खेले ही नहीं थे ज्यादा। 2022 वाला फॉर्म जो है 2024 में दिखा था, वो टेम्परामेंट नजर आया था, इनमें भी स्किल सेट जो है बहुत अच्छा है इनके पास, और बहुत अच्छा रिदम है, स्ट्राइक पावर भी बहुत अच्छा है, आपको जो है आक्रामक अंदाज में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करके दे सकते हैं। तो आरसीबी की टीम चाहती है कि इंडियन मिडिल ऑर्डर फ्यूचर जो है मतलब बरकरार रहे हमारी टीम में, तो आरसीबी की टीम जो है रजत पाटीदार को भी रिटेन कर सकती है। तो ये 3 रिटेंशन जो है आरसीबी की टीम के डेफिनेटली यहाँ से रहने वाले हैं, आपको क्या लगता है बता सकते हैं। दोस्तों हमने रिटेंशन पे तो बात कर ली, और ये 3 रिटेंशन के बाद जो है बेंगलोर की टीम के पर्स से 22.5 करोड़ रुपए की कट ऑफ हो जाएगी, मतलब आपके पर्स से जो है माइनस हो जाएंगे 22.5 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पर जो है आप कौन से बड़े बड़े प्लेयर्स को जो है बेंगलोर की टीम आईपीएल 2025 में रिलीज करने वाली है, चलिए गाइस उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं, पूरी लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। ग्लेन मैक्सवेल 11 करोड़, कैमरन ग्रीन 17 करोड़, दिनेश कार्तिक 5.5 करोड़, अनुज रावत 3.40 करोड़, करण शर्मा 5 करोड़, अलजारी जोसफ 11.50 करोड़, मयंक डागर 20 लाख, मोहम्मद सिराज 7 करोड़, यश दयाल 5 करोड़, आकाशदीप 20 लाख, सुयश प्रभु देसाई 30 लाख, स्वप्निल सिंह 20 लाख, विजय कुमार 20 लाख, महिपाल लोमरोट 95 लाख, रीस टोपली 1.9 करोड़, टॉम करण 1.5 करोड़, लॉकी फर्गुसन 2 करोड़, मनोज भंगारे 20 लाख, सौरभ चौहान 20 लाख, राजन कुमार 70 लाख और हिमांशु शर्मा 20 लाख। तो यहाँ पर अगर आरसीबी की टीम जो है ये सभी पूरे 21 प्लेयर्स को अगर रिलीज कर देती है, तो आपके पर्स में जो है 78 करोड़ रुपए ऑक्शन में रहने वाले हैं, टोटल 78 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। और मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है ग्लेन मैक्सवेल का जिस तरह से परफॉर्मेंस था 2024-23-22 के आईपीएल में, आरसीबी की टीम ने भी बहुत बड़ा एफर्ट लगाया था कि मतलब आरसीबी की टीम ने बैक करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी, लेकिन अपने परफॉर्मेंस में जो है खरे नहीं उतरे थे, जस्टिफाई नहीं कर पाते। उसके अलावा जो है कैमरन ग्रीन का नाम भी निकल कर आ रहा है, 17 करोड़ ये डिजर्व नहीं करते, हालांकि इनमें टेम्परामेंट नजर आया था आखिरी मैचेस में, बल्लेबाजी में भी धार नजर आई थी, गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे थे, लेकिन 17 करोड़ डिजर्व करते हैं कि नहीं, एज अ रिटेंशन आई पर्सनली फील्स दैट कि ये भी रिलीज हो सकते हैं। उसके अलावा दिनेश कार्तिक हो चुके हैं रिटायर, 5.5 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी, इंक्रीमेंट हो चुका है। उसके अलावा अनुज रावत 3.40 करोड़, ये भी बेंच पर बैठे हुए थे और इनमें भी वो टेम्परामेंट नजर नहीं आया था, तो यहाँ पर जो है ये भी रिलीज हो सकते हैं। करण शर्मा का नाम भी निकल कर आ रहा है, करण शर्मा को टॉप 4 में कंसीडर नहीं कर रही है, हालांकि परफॉर्मेंस इनका अच्छा था, ऑक्शन में जो है इनको ले सकती है। और अलजारी जोसफ 11.50 करोड़, भाई पूरा मनी वेस्ट था और इनको भी जो है मतलब बेंच पर बिठाया था आरसीबी की टीम ने। उसके अलावा जो है आपको बहुत सारे नाम यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर जो है मोहम्मद सिराज का नाम भी निकल कर आ रहा है, 7 करोड़ की रकम है। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी भी उस तरह से नजर नहीं आई है, वो वेरिएशन नजर नहीं आ रहा था, वो एंटीसिपेशन नजर नहीं आ रहा था, यॉर्कर जिस तरह से जड़ में डालते हैं T20 में, वो
उनका जो है बेंचमार्क जिस तरह से सेट है वो नजर नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर जो है मोहम्मद सिराज भी हो सकते हैं रिलीज। उसके अलावा मयंक अग्रवाल भी होने वाले, हालांकि ट्रेडिंग के जरिए आए थे 20 लाख की प्राइस थी, लेकिन होने वाले हैं रिलीज। उसके अलावा आकाशदीप का नाम भी निकल कर आ रहा है, सुयश प्रभुदेसाई, स्वप्निल सिंह को ये टीम जो है पूरा एफर्ट डालने वाली है ऑप्शन में लेने का, क्योंकि गाइस इनमें जो है मतलब वो फ्यूचर नजर आ रहा था ऑलराउंडर, एज अ प्योर ऑलराउंडर जो है अच्छी तरीके से मतलब अपने परफॉर्मेंस को कैपिटलाइज कर रहे थे ये। स्वप्निल सिंह हो सकते हैं मतलब ऑप्शन में जो है मतलब आरसीबी टीम जो है ले सकती है इनको। विशेक विजय कुमार का नाम भी निकल कर आ रहा है, महिपाल लोमरोर भी होने वाले हैं 95 लाख, हालांकि अच्छे बड़े बड़े शॉट खेल लेते हैं ये, लेकिन गाइस टॉप फोर में इनको भी कंसिडर नहीं कर रही आरसीबी की टीम। टॉम करण का नाम भी निकल कर आ रहा है, टॉम करण को दिलचस्पी दिखाई थी आरसीबी की टीम ने ऑक्शन में, लेकिन गाइस बेंच पर बैठे थे पूरे टूर्नामेंट में, मतलब नहीं खेले थे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो यहाँ पर जो है मतलब आरसीबी की टीम रिलीज करने वाली डेफिनेटली। लॉकी फर्ग्यूसन 2 करोड़ रुपीज, हालांकि इन्होंने भी गेंदबाजी अच्छी करी थी आखिरी के फेज में, लेकिन गाइस टॉप फोर में ये भी कंसिडर नहीं है। उसके अलावा जो है आपको बहुत सारे नाम नीचे भी देखने को मिल रहे हैं, मनोज भंगाले 20 लाख, सौरभ चौहान 20 लाख, राजन कुमार 70 लाख और हिमांशु शर्मा भी होने वाले हैं। तो ये 21 प्लेयर्स आरसीबी की टीम जो है रिलीज कर सकती है, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 21 प्लेयर होने वाले हैं रिलीज। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आरसीबी की टीम जो है ये 21 प्लेयर्स को बाहर कर देती है यानी कि रिलीज कर देती है, तो आपके पर्स में जो है 77.5 करोड़ रुपए की इंक्रीमेंट हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि ये पर्स जो है आपको ऑक्शन में काम में आने वाला है, जो कि बहुत अच्छा पर्स होता है। और रिपोर्ट्स के अनुसार जो है सभी फ्रेंचाइजीज में जो है मतलब 100 करोड़ का पर्स ऐड होने वाला है, तो अगर आप 22.5 करोड़ रुपए माइनस कर दोगे तो इतना पर्स आपके जो है ऑक्शन में मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए बचने वाला है, जो कि बहुत अच्छा होता है, कई हद तक जो है आप अच्छे अच्छे प्लेयर्स को ले सकते हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आरसीबी की टीम जो है कौन से प्लेयर पर आरटीएम कार्ड का यूज करने वाली है। तो आई पर्सनली फील्स दैट कि ये टीम जो है विल जैक्स पर डेफिनेटली आरटीएम कार्ड का यूज कर सकती है, क्योंकि गाइस विल जैक्स को अगर रिलीज कर देती है तो आरटीएम कार्ड के जरिए आप जो है ऑक्शन में इन्हें ले सकते हो राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके। अगर मान लो 17-18 करोड़ तक भी जाते हैं तो ये प्लेयर बहुत अच्छा है, आपको फ्यूचर में काम आने वाला है, और काफी सारे बड़े बड़े प्लेयर्स, काफी सारे दिग्गज जो है एक्सपर्ट जो है मतलब इनको एबी डिविलियर्स से कंपेयर कर रहे थे। रिप्लेसमेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि एबी डिविलियर्स का आ चुका है, आपको क्या लगता है गाइस आप भी बताइए। तो गाइस ये तो था पूरा एनालाइज आरटीएम कार्ड रिटेन्ड प्लेयर्स रिलीज प्लेयर्स का आरसीबी टीम के, आपको क्या लगता है, आपकी क्या विचारधारा है आप भी पेश कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ठोक देना ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। जय हिंद जय भारत।